बीजेपी के द्वारा 11 अप्रैल को आयोजित झारखंड सचिवालय घेराव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज का प्रोफाइल फोटो बदल कर लिखा है कि निकम्मी और भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार के खिलाफ झारखंड सचिवालय घेराव। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 60-40 के नियोजन नीति को निरस्त करने, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, रिक्त पदों के विरुद्ध बहालियां निकालने सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। वही बता देगी, दूसरी तरफ गिरिडीह भाजपा भी रांची में होने वाले शक्ति प्रदर्शन को लेकर खूब पसीना बहा रही है। भाजपा गली गली गांव गांव घूमकर ग्रामीण को प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चलती है या उनकी मांगों को सुनी जाती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।